हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, ये भी बसा है एशिया में। हमारे भारत की ही तरह इस देश में भी खूब सारे फेस्टिवल साल के 12 महीने चलते रहते हैं। यहाँ पर पर्यटक बिना अपनी जेब पर ज्यादा भार डाले एक शानदार छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। एक ऐसा देश जो कि खूबसूरत बीचेस, शानदार नाइट लाइफ, वाइल्ड लाइफ से भरपूर है और अपनी खूबसूरती, कलाकारी, संस्कृति की वजह से पर्यटकों के बीच में काफी मशहूर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मलेशिया का ऑफिशियल नाम है द फेडरेशन ऑफ मलाया। देश की कुल आबादी है करीब 32 लाख के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 99 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। कुल जनसंख्या में 24% लोग शहरों में बसे हैं, तो वहीं 8% गांव में बसते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मलय शब्द का मतलब क्या होता है? इसका संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है, एक तरह से मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। ये पूरा देश खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सांस्कृतिक, भौगोलिक और बायोडायवर्सिटी को देखा और महसूस किया जा सकता है। मलेशिया का राजधानी शहर है कुआलालंपुर और साथ ये मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है। पॉपुलेशन और इकोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये सबसे तेजी से बढ़ते मेट्रोपॉलिटन एरिया में से एक है। पूरे देश में कुल 13 राज्य हैं और 3 फेडरल टेरिटरी। देश की सीमाओं में ब्रुनेई, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ साथ चीन, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम के साथ साझा समुद्री सीमाएं हैं। मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है, लेकिन एजुकेशन और आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 130 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्नियो में और 40 पेनिनसुला में बोली जाती है। मलेशिया एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन 1970 से पहले ये देश इतना अमीर नहीं था और तब यहाँ की इकोनॉमी खेती के ऊपर निर्भर थी। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में बदलाव आया और देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते ये इतने ऊपर आ गई कि आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अमीर देश बन गया है। दोस्तों, मलेशिया एक अमीर देश है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इतने पैसे आखिर कमाते कैसे हैं? वर्ल्ड बैंक के अनुसार मलेशिया एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ का प्रमुख आर्थिक सहायक है और उसके साथ ही खेती, पशुधन और मछलियाँ पालन इनका पैसे कमाने का मुख्य जरिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर राजशाही परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। मलेशिया ने 1957 के बाद से राजशाही सिस्टम का उपयोग किया है। जब ये देश ब्रिटिश से सन 1957 में आजादी मिली, आज मलेशिया में 9 शाही परिवार है जिसमें एक राजा होता है। मलय भाषा में इसे अगोंग कहा जाता है और यहाँ का वर्तमान राजा है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद, लेकिन यहाँ शासन के प्रमुख है प्रधानमंत्री। मलेशिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटक वहां जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये जगह जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, मतलब कि ये बहुत सस्ता है। मलेशिया में छुट्टियां बिताना काफी बजट फ्रेंडली होता है। दोस्तों, मलेशिया के लोग फिल्म देखना काफी पसंद करते हैं। यहाँ हर साल महज 15 फिल्में ही बनती हैं और साथ ही साथ 300 से 400 टीवी सीरियल्स भी बनते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर हैं। दोस्तों, मलेशिया का पेनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई है 13.7 किलोमीटर। मलेशिया की सभ्यता भारतीय सभ्यता की तरह ही काफी शानदार और फैली हुई है। यहाँ पर भी कई संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ खूब सारे फेस्टिवल्स पूरे साल भर चलते हैं। मलेशिया के लोगों की ऊर्जा और उत्साह ही वहाँ होने वाले उत्सवों की जान है जो पर्यटकों को अपने देश बुलाती है। यहाँ तक कि मलेशिया में कई दक्षिण भारत के मंदिर भी हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मलेशिया के पेनांग में एक सांपों का मंदिर है जिसे स्नेक टेंपल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी जाना माना है। साथ ही थाईपुसम नाम का त्यौहार यहाँ पर बहुत ही फेमस है। ये त्यौहार मलेशिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है जिसका नाम है सरवाक चैम्बर और एरिया के हिसाब से ये दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर आपको कभी मौका मिले मलेशिया जाने का तो इस गुफा में जरूर जाएं। वहीं 200 प्रकार के मैमल्स, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार के पक्षी और करीब 60 प्रकार के छिपकलियों का घर है ये देश। यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर में
बाघों के झुंड देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्लेजिया नाम के फूल भी इसी देश में ही पाए जाते हैं। मलेशिया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन बिना शॉपिंग के तो कोई भी सफर पूरा हो ही नहीं सकता ना। मलेशिया में भारत से लोग इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये शॉपिंग के लिए जन्नत की तरह है। बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ बेहद ही आसानी से यहाँ पर सही दाम पर मिल जाता है। इस देश में कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं जो हर खरीदार को अपनी ओर खींचता है। बुकिंग बिटांग से लेकर केएलसीसी तक 9 मॉल है यहाँ, जो कि इसे शॉपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह है। मलेशिया में इतने हाईवे हैं कि अगर उन सभी हाईवे की लंबाई नापी जाए तो वो धरती की परिधि से भी ज्यादा निकलेगी। मलेशिया अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर घूमना काफी सुरक्षित भी होता है, जिस वजह से बिना कोई टेंशन के छुट्टियां बिताने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग पर्यटकों की मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आप बिंदास होकर यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, मलेशिया खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन है। मलेशिया में लगभग हर समय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड टूरिस्ट को खूब ललचाते हैं। मलेशिया के सफर पर जाएं तो आप वहाँ का स्ट्रीट फूड का मजा जरूर लीजिएगा। इसके लिए आप जा सकते हैं जलन आलोर की तरफ। यहाँ पर आप मलेशियाई, थाई, चाइनीज स्ट्रीट फूड का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। शाम को 5 बजे से देर रात तक यहाँ पर दुकानें लगती हैं और टेस्टी खाने के साथ आप यहाँ पर एक बेहतरीन शाम बिता सकते हैं। नासी कंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है, जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। दोस्तों, मलेशिया में पाए जाने वाले फलों में से एक पोमेलो है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा खट्टा फल है। ये एक छोटा फुटबॉल के आकार तक पहुंच सकता है। घूमने के हिसाब से मलेशिया इसलिए बेहतर देश है क्योंकि ये देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ जीवन अपने अलग अलग रंगों में धड़कता दिखाई देता है। ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो नीले समुद्र और सुनहरी रेत के बीच परिवार के साथ आराम करने का पूरा मौका देती है। जिन लोगों को इतिहास और खूबसूरत इमारतों से प्यार है, उनके लिए भी इस देश के पास है बहुत कुछ। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं खूबसूरती से भरपूर देश मलेशिया में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी शहर है कुआलालंपुर, जहां पर आपको शानदार पकवान, गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और शानदार बाजारों के साथ साथ नाइट लाइफ का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। ये शहर आधुनिकता के साथ साथ इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसकी गगनचुंबी इमारतें पर्यटकों को अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित कर लेती हैं। कुआलालंपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट्रोनास ट्विन टावर है। इसके बाद दातारन मर्डेका में स्थित सुल्तान अब्दुल समद के महल का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। साथ ही हिंदू मंदिर बाटू गुफाओं के दर्शन भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट का स्वाद चखना ना भूलेगा। नेक्स्ट इज पेनोंग हिल। प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पेनोंग हिल, जो देश के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। इस हिल को बुकिट बंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस हिल स्टेशन पर आपको पेनोंग स्नैक टेम्पल, केक लोकसी मंदिर भी देखने को मिलेंगे। पेनोंग के कुछ गांव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम कैंपुंग, पुलाव बैटोंग और पुलाव अमान है। पेनोंग को खाने पीने की चीजों के लिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आप मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कैमरून हाईलैंड। समुद्र तल से करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैमरून हाईलैंड की खूबसूरत नजारों को देखकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कई चाय बागानों का घर है ये जगह और सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे कैमरून की चाय का स्वाद लाजवाब है। अगर आप कभी जाओ वहाँ तो इसका स्वाद जरूर लीजिएगा। यहाँ पर पहाड़ी नजारे पैदल घूमकर लोग देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहां पहाड़ी बकरियां देख सकते हैं। नेक्स्ट इज माउंट किनाबालू। दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किनाबालू है, जो कि 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एशिया की सबसे ज्यादा पर्यटकों के द्वारा पसंद की जाने वाली चोटी है और साथ ही सबसे लोकप्रिय चढ़ाई स्थलों में से एक। जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है ये, जहाँ पर आपको अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। माउंट किनाबालू पर चढ़ाई चढ़ने से पहले आपके शरीर का चेकअप किया जाता है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप इसकी पहाड़ियां चढ़ पाएंगे। साथ में एक गाइड जरूर रहेगा। नेक्स्ट इज मलक्का।
मलेशिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है खूबसूरत मलक्का। मलक्का के हरे भरे जंगल और समुद्री तट पर्यटकों को खूब लुभाती है। यहाँ 15वीं सदी के आसपास का बंदरगाह है जो एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाहों में से एक है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले मलक्का में प्राचीन इमारतों को आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्राइस्ट चर्च, सेंट पॉल हिल, डच फोर्ट और पुर्तगाली उपनिवेश देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मलेशिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 7 से 8 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको मलेशिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगीट, जिसकी वैल्यू लगभग 17.57 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत मलेशिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।